हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरती अमित जायसवाल व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना किचन टूर कराती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने मेरी किचन वीडियो में देख रखी है, पर मैं आज आपको उसका पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम किचन में। तो वेलकम बैक टू आरतीस किचन। ये मेरी छोटी सी किचन है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपना बिताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्टोर रूम दिखाऊंगी, और ये मेरे स्टोर रूम का गेट है जो इस तरह से खुलता है, और ये गेट के ऊपर ये वॉल हैंगिंग्स लगी है जो DIY है, जो मैंने खुद से बनाई है। तो आप बताइएगा कि कैसी लगी फ्रेंड्स आपको। तो स्टोर रूम में मैंने ये अपने स्टील के कुछ डिब्बे सेट कर रखे हैं, तो मैंने इनको कुछ इस तरह से सेट किया है। मैंने इनके ऊपर मार्कर से नेम लिख रखे हैं। जो मैंने सामान इनके अंदर रखा है उसका नाम मैंने इसके ऊपर डिब्बे के ऊपर मार्कर से लिखा है। तो मार्कर से लिखने से एक ये फ़ायदा है, जब हम डिब्बे को साफ़ करते हैं तो डिब्बा जो मार्कर तुरंत साफ़ हो जाता है, और दूसरा ये है कि डिब्बे में जो मार्कर से हम नेम लिखते हैं वो हमें अच्छे से दिख जाता है और सामान लेने में हमें सुविधा होती है। तो इस तरह से मैंने अपने स्टील के डिब्बों को सेट कर रखा है। ये मेरी दालें हैं, तो ये तुअर की दाल, चने की दाल, और ये मसाले हैं, ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये ऊपर मैंने कुछ साबूदाना, सिंगदाना इस तरह से सेट करके रखे हैं। अब मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये फुटवेयर बिछा रखा है। तो ये किचन में एक फुटवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो ज़्यादा देर तक किचन में खड़े रहते हैं, तो इससे हमारे पैरों में दर्द नहीं होता। तो ये फुटवेयर बिछा रखी है फ्रेंड्स। उसके बाद ये सबसे पहले मेरा ये गैस चूल्हा है जो अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले लिया है, और
उसके बाद यहाँ पर ये चाय पत्ती का डिब्बा है और चीनी का डिब्बा है। तो मैंने ये ट्रांसपेरेंट इसलिए लिए हैं कि हमें जल्दीबाजी में लेने में दिक्कत नहीं होती, वरना मैं स्टील का भी यूज कर सकती थी। और ऊपर की साइड मैंने एक मनी प्लांट्स लगा रखा है। और यहाँ पर हमने बड़ी तपेली वगैरह रख रखी हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम तुरंत से निकाल लें। और इधर मैंने ग्लास रख रखे हैं और इधर मग वगैरह रखे हैं। मग मेरे पीछे उधर स्टोर रूम में भी रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से भी ले लेती हूँ, वहाँ से भी ले लेती हूँ। कुछ स्टील के मग रखे हैं। और ये जो मैं रात में अपने बच्चे के लिए दूध रखती हूँ, तो ये मेरा बड़ा वाला मग है। और ये कुछ बड़ा वाला बर्तन है जिसमें हम पानी वगैरह लेते हैं। और साथ में ये स्टैंड है जिस पर मैंने ये जो हमारे बादाम वगैरह किसने का है, और इसमें यहाँ पे स्टैंड की स्टिक वगैरह रखी है। और एक चाकू है और एक ये पकड़ने की संसी है। और ये हमने कद्दूकस रख रखा है छोटा सा, जो जैसे कभी लहसुन वगैरह छिलने कसने के लिए, अदरक वगैरह कसने के लिए एक छोटा सा हमने ये रखा है ओखली। और ये यहाँ हमारे यहाँ ना चूहे बहुत हैं, तो चूहे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है। और ये मैंने ऑयल का कंटेनर रखा है। ये ऑयल का कंटेनर रखा है जिसके नीचे मैंने एक ट्रे लगा रखी है। इससे क्या है, ये टाइल्स भी गंदी नहीं होगी और आराम से हम इसका यूज कर सकते हैं। और ट्रे को निकाल कर मैं फटाक से साफ भी कर सकती हूँ। और साथ में ये हम पराठे वगैरह बनाते हैं, तो उसका स्टैंड है ये। और इसमें घी है। और ये मैंने एक प्लेट का स्टैंड है जिसमें डेली यूज में यूज होने वाली प्लेटें हैं। और इसके नीचे मैंने तवा रखा है। कहते हैं कि तवे को हमें दिखाना नहीं चाहिए, और पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, बाकी मुझे लगा तो मैंने इसके नीचे रख दिया है। और यहाँ हमारा पटा बेलन है, तो बेलन पटा और ये जो चिमटा है मैं इनको साथ में रखती हूँ। और ये मैंने एक नैपकिन रख रखा है। और इधर साइड मैंने अपनी प्लेटें रखी हैं, क्योंकि हमारे फर्नीचर में प्लेटों का जो स्टैंड तो है, ट्रॉली तो है, पर वो उसमें सेट नहीं हो पाती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डेली यूज में यूज होने वाली प्लेटें रखी हैं। और नीचे मैंने बकेट रखी है जिसमें मैं सब्जी वगैरह जब वॉश करती हूँ, तो फ्रूट्स वगैरह, तो मैं इसमें रख देती हूँ। अब ये है एक हमारा, तो इसमें मैंने अपने बड़े बड़े सारे बर्तन रख रखे हैं जो कम यूज़ होते हैं। और ये बड़ा वाला कंटेनर है ऑयल का, तो इसमें लेने में हमें दिक्कत होती है, तो मैंने इसके साथ ही एक छोटा वाला कंटेनर भी रख रखा है। तो इस तरह से ये सेट कर रखा है फ्रेंड्स। और गैस के नीचे वाली स्लैब में जो ये ट्रॉली है, इसमें मैंने मसाले सेट करके रखे हैं। तो इस मसालों में ये आज जो हमारे डेली यूज के जो मसाले यूज होते हैं वो हैं, और खसखस है, हींग है, सोडा है, सब पुदीना वगैरह जो अपने डेली यूज़ होते हैं वो सामान है। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ रखा है, जैसे हम जल्दी से खाना बनाएं तो हमें दिक्कत ना हो बनाने में, और हम जल्दी से इसको खोल के अपना यूज कर सकते हैं। उसके नीचे ही कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा है, जैसे खड़े गरम मसाले हैं, सेंधा नमक वगैरह है, तो इस तरह से ये सेट कर रखा है। और इसके नीचे ये मैंने कैसरोल का सामान रख रखा है, इसमें कुछ कैसरोल का है, कुछ एक्स्ट्रा डिब्बे हैं। और इसमें स्टील के बड़े बड़े बर्तन हैं, जैसे हमारे जो हम लोग सब्जी वगैरह कट करके रखते हैं, या कुछ भी जो हमारे किचन में सामान यूज होता है। ये हमारा प्लेट का स्टैंड था फ्रेंड्स, पर इसमें है ना प्लेट जब रखते हैं तो यहाँ दिक्कत होती है, तो ये थोड़ा सा गलत लग गया है, तो उसके कारण इसमें मैंने यहाँ पे ये स्टील के डिब्बे रख रखे हैं, तो जब भी जरूरत पड़े तो हम जल्दी से ही इनको निकाल कर यूज कर सकते हैं। और ये हमारे है ना चम्मच वगैरह का स्टैंड है, तो यहाँ पर मैंने छोटी चम्मचें रख रखी हैं, और चाय छलनी है, चाकू है, और ये छिलनी है। यहाँ पर कॉफ़ी के ये पाउच हैं, और इस तरह से ये स्टैंड है दूध का। और यहाँ पर ये सारे इस तरह से मैंने जमा रखे हैं। और ये सिंक के नीचे का पोर्शन है,
जिसमें मेरी एक बड़ी कढ़ाई रखी है और इस तरह से सिंक का पोर्शन है, और एक ये है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये अंकुरित दाल वगैरह चने वगैरह जब हम अंकुरित करते हैं तो एक ये स्टैंड है, और ये सारे ये माइक्रोवेव में यूज होने वाले सारे कंटेनर हैं। तो यहाँ पर ये माइक्रोवेव का सामान रखा है, और इसमें कुछ जो हम पापड़ वगैरह पपड़ी वगैरह बनाते हैं वो है, और इस तरह से ये बड़े बड़े जो हम नमकीन वगैरह बनाते हैं, और ये सेव बनाने की मशीन है, और ये जो हम शक्करपारे बनाते हैं उसका स्टैंड है। तो इस तरह से इसमें मैंने ये रख रखा है, और इसमें ये प्लेट्स रखी हैं। तो इस तरह से घर का पोर्शन सेट कर रखा है, और इधर ये हमारी सिंक है। तो सिंक में मैंने वो वहाँ पर मैंने डिश वॉश रखा है, और ये मेरा बर्तन साफ करने का स्क्रब है, और ऊपर की साइड मैंने कढ़ाई रख रखी है जिससे मुझे जल्दी से निकालने में दिक्कत ना हो, और ऊपर एक लाफिंग बुद्धा है और एक प्लांट्स है। तो सुबह सुबह जब किचन में आते हैं तो प्लांट्स को देख के बहुत अच्छा लगता है, तो एक प्लांट्स रख रखा है, और एक ये छोटा सा वाइपर है तो स्लैब साफ करने में परेशानी ना हो, और ये कंटेनर है। तो इस कंटेनर में मैंने खाना में पानी यूज होने वाला कंटेनर है, हमारे यहाँ फिल्टर पानी आता है तो आरओ भी है नहीं, इसीलिए नहीं लगवाया। और ये हमारा पीने का पानी है, यहाँ पर कुछ मेडिसन है डेली यूज होने वाली मेडिसन है, और ये छोटा सा प्लांट्स है जिसमें फ्लावर है और ग्रीन भी है तो अच्छा लगता है सुबह सुबह, और ये भी एक प्लांट्स रख रखा है। और इसमें खड़े मसाले हैं, जैसे कभी हम खाना वगैरह खाते हैं तो गैस वगैरह बनती है या फिर जीम वगैरह में चलाए तो तुरंत हम लेकर यूज कर सकते हैं। और ये मेरा फ्रीज है फ्रेंड्स, तो फ्रीज में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रीज में यहाँ पर ये कुछ पाउडर्स वगैरह हैं, और यहाँ पर मैंने इस तरह से ये रैगजीन बिछा रखी है, तो ये मैट जैसी है, मैट का यूज होती है। तो यहाँ पर ये दूध वगैरह सब, और यहाँ पर मैंने अचार के जार रख रखे हैं कांच के, और ये मैंने नींबू का रस स्टोर करके रखा है, जैसे कभी नींबू नहीं है तो अब नींबू का रस यूज कर सकते हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, और ये केसर वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और ये कुछ मसाले हैं जैसे कस्टर्ड पाउडर या अमूल बटर वगैरह, ये सब रख रखे हैं। और करी पत्ते को हम इस तरह से स्टोर करके रखते हैं फ्रेंड्स, और हरी मिर्ची वगैरह के लिए हमारे पास इस तरह से जाली है, तो इसमें हम हरी मिर्ची अदरक वगैरह इस तरह की नेट की जाली में यूज करते हैं। तो ये फ्रीज हो गया। अब इधर हमारा ये माइक्रोवेव स्टैंड है, तो इधर मैंने मिक्सर ही रख रखा है, और ये अभी अभी सब्जी आई थी तो मैंने वॉश करके रख दी, अभी फ्रीज में सेट करके रखूँगी। और ये अचार के कंटेनर हैं, तो अचार के जार मैंने इस तरह से ट्रे में रख रखे हैं, क्योंकि हम जब भी अचार लेते हैं तो उसमें ऑयल नीचे गिर जाता है, उसके कारण ये फर्श हमारा गंदा हो जाता है, तो इस तरह से मैंने ये ट्रे में रख रखे हैं। यहाँ पर ये मेरा माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव इस तरह से मेरा माइक्रोवेव है, और ये स्पून का एक स्टैंड है। तो यहाँ पर ये मैंने सब क्रॉकरीज के सामान सेट करके रखे हैं, और एक ये है, तो ये अभी खाली है, जब सामान वगैरह कुछ आता है तो इसमें रख देते हैं। और यहाँ पर ये सब कैसरोल का सामान है, बोतल वगैरह है, ये पापड़ की मशीन वगैरह है, इसमें कुछ रबड़ बैंड रख रखे हैं, जैसे कभी हम सफ़र में जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से कुछ रबड़ बैंड रख रखे हैं। और इसमें सॉफ्ट सिपाड़ी वगैरह है, और ये कुछ कैरी बैग है, तो जैसे कभी कभी जल्दीबाजी में ज़रूरत पड़ती है तो इसमें कुछ कैरी बैग रखें। ये कॉकरोच स्टिक है, और ये पेपर्स हैं न्यूज़पेपर, तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है किचन में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ मैंने ऊपर ही रख रखी है। उसके बाद यहाँ पर ये बर्तन साफ़ करने का स्क्रब वगैरह है, ये किचन की स्लैब साफ़ करने का है, और यहाँ पर ये पनीर वगैरह जब हम बनाते हैं तो कॉटन का कपड़ा यूज होता है वो है, नैपकिन है, वो बर्तन साफ़ करने का ये शॉप है, और ये मेरा एप्रॉन है जो मैंने अभी इसमें रख रखा है।
उसके बाद यहाँ पर ये बिस्किट है, चिप्स हैं बच्चों के लिए, टोस्ट है, इसमें नमकीन्स वगैरह, ये बिस्किट वगैरह के डिब्बे हैं, इस तरह से रख रखे हैं। ये अभी खाली है तो जब यूज कुछ आएगा तो रख देंगे। और एक मैं कुछ खाली भी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम सामान लाते हैं तो हमें जल्दी जल्दी पड़ती है, तो हम इस तरह से खाली रहते हैं तो फटाक जल्दी से इसमें रख देते हैं। तो ये चाय पत्ती वगैरह कुछ भी हम लाते हैं तो इसमें रख देते हैं, तो इस तरह से। और इधर हमारा वॉश बेसिन एरिया है, तो जब हमारे जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो हम इधर अपने वॉश बेसिन यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी किचन जिसमें मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करती हूँ। तो आपको मेरी किचन टूर का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे अपनी किचन में क्या और करना चाहिए। आपको मेरा किचन टूर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।